नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हूँ मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त मोटिवेशनल वीडियो वाला। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस नोमैडलैंड मूवी के केवल ऑडियंस रही हूँ और फैक्ट्स बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम आपसे तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला मोटिवेशनल कोट्स, दूसरा आपके एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट और तीसरा इस नोमैडलैंड मूवी के ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जहां पर आपको मोटिवेशनल कोट्स आपकी लाइफ को बूस्ट करेगा, वही एजुकेशन फैक्ट आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा और इस नोमैडलैंड मूवी के जो फैक्ट्स हैं जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं उसको देखने के बाद मैं आपको इस नोमैडलैंड मूवी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस प्रकार के हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला मोटिवेशनल कोर्स, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोर्स, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा, थके हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दूसरा मोटिवेशनल कोट्स, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राई को, कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राई को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। डेविड स्ट्रेथिर की साल 2022 के अंदर कौन सी बड़ी मूवी सिनेमाघरों के अंदर रिलीज होने वाली है। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी के रिव्यू के बारे में। साल 2020 में रिलीज हुई नोमैडलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डेविड स्ट्रेथिर की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था नोमैडलैंड मूवी था, जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और वेस्टर्न की कैटेगरी की फिल्म, जो कि नोमैडलैंड मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 48 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 48 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 79% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.3 है और इस मूवी की रिलीज डेट 19 फरवरी 2021 को USA के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर चलो जोहा थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं नोमैडलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वाज परसेंटेज विथ दिस मूवी विथ नो प्रमाइज नो इंट्रोडक्शन एंड आई फाउंड द फैक्ट दैट इट वॉज नॉट फिल्ड विथ बोरिंग टाइटल डिज्नी ट्रोप्स वन ऑफ इट इज मोस्ट कॉम्प्लिंग फीचर इट वॉज एंड अब्सोल्युटली जॉय टू वॉच फिकेशन आई कुड नॉट प्रेडिक्ट एंड स्लिप थ्रू आउट जो हम ये समवन ऑपरेट एयर डॉग सो दैट गोइंग टू द बुक एंड हार्ट वार्मिंग सेविंग ग्रेस फॉर इज लाइफ द डॉग द जॉब्स द लोटरी साइन द कनोकिंग मैन द जॉब्स एंड मीनिंग मैन द नाइट ऑफ सीनिंग एरमोर द कंट्री सिस्टर द डाइंग फ्रेंड द रिटर्न टू फेमिलियर ग्राउंड फेर एन अप्रोचमेंट
रेलिवेंट इवन द नोमैडिक कम्युनिटी इट सेल्फ आफ्टर ए वाइल आई फाउंड माई सेल्फ लुकिंग फॉर डीले क्लिक्स दे आर द वेरी ईस्टर एग हाउ मैनी कॉम्प्लेन्स डेमोक्रेटिक प्लॉट वाइल ऑफ दिस गुड पॉइंट्स वेरी परसेंटेज एंड गुड एंड द क्वालिटी लेफ्ट टू डाई हार्ड जस्ट लाइक रियल लाइफ विल डू लव दैट आई विल एडमिट आई डिड नॉट सी फार गो एज ए कॉमेडी दैन द फर्स्ट टाइम अराउंड मे सम वन ऑफ दिस रिस्पॉन्ड टू टीजिंग ऑफ दिस स्क्रीन राइटर एंड रेपुटेशन एज वेल पिकागो आई सी यू एंड योर परसेंटेज प्लॉट एक्सप्रेशन हा इट सो लंच बट आई आल्सो स्माइल इट वॉज हुगली रिफ्रेशिंग इफ आई हैव वन डिसअपॉइंटमेंट इट इज़ दैट द मूवी डिड नॉट एंड विथ एक्नोलेजमेंट दैन इट इज पॉसिबल टू लाइव लाइक दिस एंड हैव इंटरनल हैपनेस आई डू नॉट मीन दैट स्ट्रगलिंग इन टू द ऑब्जेक्ट पॉवर्टी लॉस एंड अनस्टेबल लिविंग सिचुएशन इज प्लेसमेंट और डिप्रेशन इवन आई मैन दैट emotional speaking not everyone want to needs the argument baras ring of ultimate personal relationship or integrative predictable life some people find their peace in a different palace to me once fearing handled from grip and loss she seemed to be a mad for life alone the road it was acknowledgement that she was always wired adventure and genius somewhat like of this people Francisco McDormand did a fantastic job of portable a person did odd what kind personal skill and yet extreme boundaries and a lot of wisdom resilience pain and sorrow but friends eventually glad of the same lost of project expression of the at out of want it is the one tourism that did this assembly and unformatly by the end friend still seem pretty much the same sad educated and emotional grim person we first met as the best anyone could hope from nomadic flight of this good and tolerated surfing movie air from standard and stock grip and piece of this eventually portable to blow someone into the end joy would have been satisfied a hint of a smile and the ending score that evolved silently prone sounding like that morning humanity extends itself have would been enough just a brief and relative ambiguous success of possibility I do not seek a happy Disney ending and this one was very satisfied as the ultimate depleted cliche but when the portable at all the nomadic extent is useful percentage as being a fighting 50 and hopeless only incident and tribunate of this it is way of bare survival maintain due to addiction mental illness pathological of this pervas and ignorant stupid the nomad community refused the joeling bob wells was marvels and of course all of those think do have the portable to be true but since very we are following for an it would have been satisfied to have the flip side portable by here personally that even if it is not an international goal a single nomadic living situation can be a positive and even transparent alternative for the right individual of I love Francisco McDormand that of however into the way influence my decision to rate this movie 5/5 4 stars and I feel the loss of words to describe and how immunity beautiful and poignant this masterpiece truly is however it is my all the best Nomadland it is throughout provoking generally of as an elderly woman who has lost not only her husband and job of this entry life is the acumen town of empire that she has of exit during the reason the movie is like and audition that introduction as to the cute life of nomads that have been a fusion to the edgy of poverty and into the harness and isolation of nomadic life the whose suit that of nomad land lacks of a story
सुप्रीम। वेल इट इज़ रियली इज नॉट अबाउट एंड थ्रिलियर ट्विस्ट एंड ट्रंस एंड जोयोस मिरेकल्स ऑफ फिकेशन इंस्टेंट ऑफ इट इज़ अबाउट द मोटोनेम एंड सोल्यूट्यूड एयर ऑन रियल नोमैडिक लाइफ वेयर द मोस्ट फन यू कैन एवर हैव जॉइनिंग फ्लो नोमैड्स आवर ए बोनफायर विजिटिंग एंड आर वी शो इन टाउन क्लिच पिक्चर एंड नेक्स्ट टू एन इमरजेंसी नोमैडलैंड एंड सिनेमैटिक मास्टरपीस एंड आई लव द होर फ्रांसिस मैकडोरमैंड मैक्स इट सो मच मोर ग्रेफिफाइंग इट सो मच मैनी वेज हर सूटेबल एंड पावरफुल इमोशनल आर पेपलेबल एवरी टाइम सी रिमेंबर हेयर हस्बैंड फॉर जस्ट लिस्टन टू फ्लो दैट आई हैव नोच रीचेबल एट टू से दैट नोमैडलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रनरी फिल्म आई हैव एवरी सीन वुल्ड बी एन अंडरस्टैंड इट आल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल इमोशनल रिवेटिंग एंड मूविंग फिल्म आई हैव एवरी सीन एज वेल कोल जुआओ डिड ए इनक्रेडिबल जॉब एंड क्राफ्टिंग ए ब्यूटिफुल मूविंग एंड एक्सट्रनरी फिल्म अबाउट फ्रेंड हु एम्बार्क्स ऑन ए जर्नी टू द अमेरिकन वेस्ट आफ्टर लॉसिंग एवरीथिंग ड्यूरिंग द रीजन हाउ इट हैंडल्ड इट इज सब्जेक्ट ऑफ व्हाट इट फील्स लाइक एंड होमलेस एज वेल इट इज मैसेज एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक नोमैडलैंड एंड गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी। साल 2020 में रिलीज हुई नोमैडलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डेविड स्टेट्रियन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था नोमैडलैंड मूवी था, जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और वेस्टर्न की कैटेगरी की फिल्म, जो कि नोमैडलैंड मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 48 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 48 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 79% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.3 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 19 फरवरी 2021 को USA के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर चलो जोहा थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं नोमैडलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वाज परसेंटेज विथ दिस मूवी विथ नो प्रमाइज नो इंट्रोडक्शन एंड आई फाउंड द फैक्ट दैट इट वाज नॉट फिल्ड विथ बोरिंग टाइटल डिज्नी ट्रोप्स वन ऑफ इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीचर इट वॉज एंड अब्सोल्युटली जॉय टू वॉच फिकेशन आई कुड नॉट प्रेडिक्ट एंड स्लिप थ्रू आउट जो हम ये समवन ऑपरेट एयर डॉग सो दैट गोइंग टू द बुक एंड हार्ट वार्मिंग सेविंग ग्रेस फॉर इज लाइफ द डॉग द जॉब्स द लॉटरी साइन द कनोकिंग मैन द जॉब्स एंड मीनिंग मैन द नाइट ऑफ सीनिंग एरमोर द कंट्री सिस्टर द डाइंग फ्रेंड द रिटर्न टू फेमिलियर ग्राउंड फेर एन अप्रोचमेंट इविन द नोमैडिक कम्युनिटी इटसेल्फ आफ्टर ए वाइल आई फाउंड माई सेल्फ लुकिंग फॉर डीले क्लिप्स दे आर द वेरी ईस्टर एग हाउ मेनिंग कॉम्प्लेंस डेमोक्रेटिक प्लॉट वाइल ऑफ दिस गुड पॉइंट्स वेरी परसेंटेज एंड गुड एंड द क्वालिटी लेफ्ट टू डाई हार्ड जस्ट लाइक रियल लाइफ विल डू लव दैट आई विल एडमिट आई डिड नॉट सी फार गो एज ए कॉमेडी दैन द फर्स्ट टाइम अराउंड मे सम वन ऑफ दिस रिस्पॉन्ड टू टीजिंग ऑफ दिस स्क्रीन राइटर एंड रेपुटेशन एज वेल पिकागो
आई सी यू एंड योर परसेंटेज प्लॉट एक्सप्रेशन हा इट इज़ सो लंच बट आई आल्सो स्माइल इट वॉज ह्यूगली रिफ्रेशिंग इफ आई हैव वन डिसअपॉइंटमेंट इट इज़ दैट द मूवी डिड नॉट एंड विथ एक्नोलेजमेंट दैन इट इज़ पॉसिबल टू लाइव लाइक दिस एंड हैव इंटरनल हैपनेस आई डू नॉट मीन दैट स्ट्रगलिंग इन टू द ऑब्जेक्ट पॉवर्टी लॉस एंड अनस्टेबल लिविंग सिचुएशन इज प्लेसमेंट ऑट डिप्रेशन इवन आई मैन दैट emotional speaking not everyone want to needs the argument baras ring of ultimate personal relationship or integrative predictable life some people find their peace in a different palace to me once fearing handled from grip and loss she seemed to be a mad for life alone the road it was acknowledgement that she was always wired adventurous and genius somewhat like of this people Francisco McDormand and did a fantastic job of portable a person did odd but kind personal skill and yet extreme boundaries and a lot of wisdom resilience pain and sorrow but friends eventually glad of the same lost of project expression of the at out of want it is the one to resume that did this assembly and unformatly by the end friend still seem pretty much the same sad educated and emotional grim person we first met as the best anyone could hope from nomadic flight of this good and tolerated suffering movie air from standard and stock grip and piece of this eventually portable to blow someone into the end joy would have been satisfied a hint of a smile and the ending score that evolved silently prone sounding like that mourning humanity extends itself would been enough just a brief and relative ambiguous success of possibility I do not seek a happy Disney ending and this one was very satisfied as the ultimate depleted cliche but when the portable at all the nomadic extent is useful percentage as being a fighting 50 and hopeless only incident and tribunate of this it is way of bare survival maintain due to addiction mental illness pathological of this purpose and ignorant stupid the nomad community refuted the joeling bob wells was marvels and of course all of those think do have the portable to be true but since very we are following for an it would have been satisfied to have the flip side portable by her personally that even if it is not an international goal a single nomadic living situation can be a positive and even transparent alternative for the right individual opal I love Francisco McDormand that op however into the way influence my decision to rate this movie 5/5 4 stars and I feel the loss of words to describe and how immunity beautiful and poignant this masterpiece truly is however it is my all the best Nomadland it is throughout provoking generally op as an elderly woman who has lost not only her husband and job op this entry life is the acumen town op empire that she does op exit during the reason the movie is like and audition that introduction as to the cute life op nomads that have been abused to the edg of poverty and into the harness and isolation op nomadic life the huge sue that op nomad land lacks op a story well it is really is not about and thriller twist and turns and joyous miracles of vacation instant of it is about the motto name and solitude your own real nomadic life where the most fun you can ever have joining fellow nomads our a bonfire visiting and RV show in town clips picture and next to an emerging nomadland and cinematic masterpiece and I love the whole Francis McDormand makes it so much more gratifying it is so much many ways her suitable and powerful emotional are palpable every time she remember her husband for just listen to flow that I have no reachable at to say that Nomadland is one of the most extraordinary films I have ever seen would be an understand it also one of the most beautiful emotional riveting and emotional
ग्रोइंग फिल्म्स आई हैव एवरी सीन एज वेल कोलम जोआओ डिड ए इनक्रेडिबल जॉब एंड क्राफ्टिंग ए ब्यूटीफुल मूविंग एंड एक्सट्रनरी फिल्म अबाउट फ्रेंड हु एम्बार्क्स ऑन ए जर्नी टू द अमेरिकन वेस्ट आफ्टर लॉसिंग एवरीथिंग ड्यूरिंग द रीजन हाउ इट हैंडल्ड इट इज सब्जेक्ट ऑफ व्हाट इट फील्स लाइक एंड होमलेस एज वेल इट इज मैसेज एंड गुड थिंग अबाउट वेरी फैंटास्टिक नोमैडलैंड एंड गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी। साल 2020 में रिलीज हुई नोमैडलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डेविड स्टेटरियन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था नोमैडलैंड मूवी था जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और वेस्टर्न की कैटेगरी की फिल्म जो कि नोमैडलैंड मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 48 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 48 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 79% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.3 है और इस मूवी की रिलीज डेट 19 फरवरी 2021 को USA के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर चलो जोहा थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं नोमैडलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वाज परसेंटेज विथ दिस मूवी विथ नो प्रमाइज नो इंट्रोडक्शन एंड आई फाउंड द फैक्ट दैट इट वाज नॉट फिल्ड विथ बोरिंग टाइटल डिज्नी ट्रोप्स वन ऑफ इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीचर इट वाज एंड अब्सोल्युटली जॉय टू वाच फिकेशन आई कुड नॉट प्रेडिक्ट एंड स्लिप थ्रू आउट जो हम ये समवन ऑपरेट एयर डॉग सो दैट गोइंग टू द बुक एंड हार्ट वार्मिंग सेविंग ग्रेस फॉर इज लाइफ द डॉग द जॉब्स द लॉटरी साइन द कनोकिंग मैन द जॉब्स एंड मीनिंग मैन द नाइट ऑफ सीनिंग एरमोर द कंट्री सिस्टर द डाइंग फ्रेंड द रिटर्न टू फेमिलियर ग्राउंड फेर एन अप्रोचमेंट इविन द नोमैडिक कम्युनिटी इट सेल्फ आफ्टर ए वाइल आई फाउंड माई सेल्फ लुकिंग फॉर डीले क्लिप्स दे आर द वेरी ईस्टर एग हाउ मैनिंग कॉम्प्लेंस डेमोक्रेटिक प्लॉट वाइल ऑफ दिस गुड पॉइंट्स वेरी परसेंटेज एंड गुड एंड द क्वालिटी लेफ्ट टू डाई हार्ड जस्ट लाइक रियल लाइफ विल डू लव दैट आई विल एडमिट आई डिड नॉट सी फार गो एज ए कॉमेडी दैन द फर्स्ट टाइम अराउंड मे सम वन ऑफ दिस रिस्पॉन्ड टू टीजिंग ऑफ दिस स्क्रीन राइटर एंड रेपुटेशन एज वेल पिकागो आई सी यू एंड योर परसेंटेज प्लॉट एक्सप्रेशन हा इट सो लंच बट आई आल्सो स्माइल इट वॉज हुगली रिफ्रेसिंग इफ आई हैव वन डिसअपॉइंटमेंट इट इज़ दैट द मूवी डिड नॉट एंड विथ एक्नोलेजमेंट दैन इट इज़ पॉसिबल टू लाइव लाइक दिस एंड हैव इंटरनल हैपनेस आई डू नॉट मीन दैट स्ट्रगलिंग इन टू द ऑब्जेक्ट पॉवर्टी लॉस एंड अनस्टेबल लिविंग सिचुएशन इज प्लेसमेंट और डिप्रेशन इवन आई मैन दैट emotional speaking not everyone want to needs the argument baras ring of ultimate personal relationship or integrative predictable life some people find their peace in a different palace to me once fearing handled from grip and loss she seemed to be a mad for life alone the road it was acknowledgement that she was always wired adventurous and genius somewhat like of this people Francisco McDormand
एंड डिड ए फैंटास्टिक जॉब ओ पोर्टेबल ए पर्सन डिड ओड वट काइंड पर्सनल स्किल एंड येट एक्सट्रीमी बाउंड्रीज एंड ए लॉट ऑफ विजडम रेसिलेंस पैन एंड स्रो बट फ्रेंड्स एवेंचुअली ग्लैड ऑफ द सेम लॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द एट आउट ऑफ वांट इट इज द वन ट्यूरिज्म दैट डिड डिज असेंबली एंड अनफॉर्मेटली बाय द एंड फ्रेंड स्टिल सिम प्रीति मच द सैम सैड एजुकेटेड एंड इमोशनल ग्रेम पर्सन वी फर्स्ट मैट एज द बेस्ट एनी वन कुल्ड होप फ्रॉम नोमैडिक फ्लाइट ऑफ दिस गुड एंड टॉलरेटेड सरप्रिंग मूवी एयर फ्रॉम स्टैंडर्ड एंड स्टॉक ग्रिप एंड पीस ऑफ दिस एवेंचुअली पोर्टेबल टू बलो सम अन इन टू द एंड जॉय वुड हैव बीन सटिस्फाइड ए हिंट ऑफ स्माइल एंड द एंडिंग स्कोर दैट इवोल्वेड साइलेंटली प्रोन साउंडिंग लाइक दैट मॉर्निंग ह्यूमैनिटी एक्सटेंड्स इटसेल्फ हैव गुड बीन एनफ जस्ट ए ब्रीफ एंड रिलेटिव एम्बिगस सक्सेस ऑफ पॉसिबिलिटी आई डू नॉट सीक ए हैप्पी डिज्नी एंडिंग एंड दिस वन वाज वेरी सटिस्फाइड एज द अल्टीमेट डिप्लेटेड क्लिच बट वैन द पोर्टेबल एट ऑल द नोमैडिक एक्सटेंड इज यूजफुल परसेंटेज एज बींग ए फाइटिंग 50 एंड होपलेस ओनली इंसिडेंट एंड ट्रिब्यूनेट ऑफ दिस इट इज वे ऑफ बेर सूरवियल मेंटेन ड्यू टू अडेक्शन मेंटल इलनेस पैथोलॉजिकल ऑफ दिस प्रवास एनग्यूरेंट स्टूपिड द नोमैड कम्युनिटी रिफ्यूड द जोइलिंग बॉब वेल्स वाज मार्वल्स एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ ड्यूज थिंक डू हैव द पोर्टेबल टू बी ट्रू बट सीन्स वेरी वी आर फ्लोइंग फर एन इट वुड हैव बीन सटिस्फाइड टू हैव द फ्लिप साइड पोर्टेबल बाई हेयर पर्सनली दैट इवन इफ इट इज नॉट एन इंटरनेशनल गोल ए सिंगल नोमैडिक लिविंग सिचुएशन कैन बी ए पॉजिटिव एंड इवन ट्रांसपेरेंट अल्टरनेटिव फॉर द राइट इंडिविजुअल ऑफ आई लव फ्रांसिस्को मैकडोरमंड दैट ऑफ हाउ एयर इन टू द वे इन्फ्लुएंस माय डिसीजन टू रेट दिस मूवी 5/5 एंड आई फील द लॉस ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब एंड हाउ इम्यूनिटी ब्यूटिफुल एंड पोगमेंट दिस मास्टरपीस ट्रूली इज हाउ एवर इट इज माई ऑल द बेस्ट नो मैंड लैंड इट इज थ्रू आउट प्रोकिंग जनरी ओप एज एन एल्डरली वूमैन हु हैज लॉस्ट नॉट ओनली एयर हस्बैंड एंड जॉब ऑफ दिस एंट्री लाइफ इज द इक्विपमेंट टाउन ऑफ एम्पायर दैट सी जाज ऑफ एग्जिट ड्यूरिंग द रीजन द मूवी इज लाइक एंड ओडिवेशन दैट इंट्रोडक्शन एज टू द क्यूट लाइफ ऑफ नोमैड्स दैट हैव बीन प्यूस टू द ईडीजी ऑफ पॉवर्टी एंड इन टू द हारनेस एंड इसोलेशन ऑफ नोमैडिक लाइफ द वूज सू दैट ऑफ नोमैड लैंड लैक्स ऑफ ए Well, it is really is not about and thriller twist and turns and joyous miracles of fiction. Instead of it is about the monotony and solitude air on real nomadic life where the most fun you can ever have joining fellow nomads over a bonfire visiting and RV show in a town clips picture and next to an emergency nomadland and cinematic masterpiece and I love the horror fantasy. मैकडोरमैंड मैक्स इट सो मच मोर ग्रेपिफाइंग इट सो मच मैनी वेज हर सूटेबल एंड पावरफुल इमोशनल आर पेपलेबल एवरी टाइम सी रिमेंबर हेयर हस्बैंड फॉर जस्ट लिस्टन टू फ्लो दैट आई हैव नोच रीचेबल एट टू से दैट नो मैंडलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रनरी फिल्म आई हैव एवरी सीन वुल्ड बी एन अंडरस्टैंड इट आल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल इमोशनल रिवेटिंग एंड मूविंग फिल्म आई हैव every scene as well Colin Joao did a incredible job and crafting a beautiful moving and extraordinary film about friend who embarks on a journey to the American West after losing everything during the reason how it handled it is subject of what it feels like and homeless as well it is message and good thing about very fantastic Nomadland and good performance of this movie साल 2020 में रिलीज हुई नोमैडलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डेविड स्टेटरियन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था नोमैडलैंड मूवी था, जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और वेस्टर्न की कैटेगरी की फिल्म, जो कि नोमैडलैंड मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो
तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 48 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा, और आपको 1 घंटे 48 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 79% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 7.3 है, और इस मूवी की रिलीज डेट 19 फरवरी 2021 को USA के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया, और इस मूवी के डायरेक्टर चलो जोहा थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं नोमैडलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वाज परसेंटेज विथ दिस मूवी विथ नो प्रमाइज नो इंट्रोडक्शन एंड आई फाउंड द फैक्ट दैट इट वाज नॉट ब्लिड विथ बोरिंग टाइटल डिज्नी ट्रोप्स वन ऑफ इट इज मोस्ट कॉम्प्लिंग फीचर इट वाज एंड एब्सोल्युटली जॉय टू वाच फिकेशन आई कुड नॉट प्रेडिक्ट एंड स्लिप थ्रू आउट जो हम ये समवन ऑपरेट एयर डॉग सो दैट गोइंग टू द बुक एंड हार्ट वार्मिंग सेविंग ग्रेस फॉर इज लाइफ द डॉग द जॉब्स द लॉटरी साइन द कनोकिंग मैन द जॉब्स एंड मीनिंग मैन द नाइट ऑफ सीनिंग एरमोर द कंट्री सिस्टर द डाइंग फ्रेंड द रिटर्न टू फेमिलियर ग्राउंड फेर एन अप्रोचमेंट इवन द नोमैडिक कम्युनिटी इट सेल्फ आफ्टर ए वाइल आई फाउंड माई सेल्फ लुकिंग फॉर डीले क्लिप्स दे आर द वेरी ईस्टर एग हाउ मैनिंग कॉम्प्लेंस डेमोक्रेटिक प्लॉट वाइल ऑफ दिस गुड पॉइंट्स वेरी परसेंटेज एंड गुड एंड द क्वालिटी लेफ्ट टू डाई हार्ड जस्ट लाइक रियल लाइफ विल डू लव दैट आई विल एडमिट आई डिड नॉट सी फार गो एज ए कॉमेडी दैन द फर्स्ट टाइम अराउंड मे सम वन ऑफ दिस रिस्पॉन्ड टू टीजिंग ऑफ दिस स्क्रीन राइटर एंड रेपुटेशन एज वेल पिकागो आई सी यू एंड योर परसेंटेज प्लॉट एक्सप्रेशन हा इट इज सो लंच बट आई आल्सो स्माइल इट वॉज ह्यूगली रिफ्रेशिंग इफ आई हैव वन डिसअपॉइंटमेंट इट इज़ दैट द मूवी डिड नॉट एंड विथ एक्नोलेजमेंट दैन इट इज़ पॉसिबल टू लाइव लाइक दिस एंड हैव इंटरनल हैपनेस आई डू नॉट मीन दैट स्ट्रगलिंग इन टू द ऑब्जेक्ट पॉवर्टी लॉस एंड अनस्टेबल लिविंग सिचुएशन इज प्लेसमेंट आउट डिप्रेशन इवन आई मैन दैट emotional speaking not everyone want to needs the argument baras ring of ultimate personal relationship or integrative predictable life some people find their peace in a different palace to me once fearing handled from grip and loss she seemed to be a mad for life alone the road it was acknowledgement that she was always wired adventurous and genius somewhat like of this people Francisco McDormand did a fantastic job of portable a person did odd but kind personal skill and yet extreme boundaries and a lot of wisdom resilience pain and sorrow but friends eventually glad of the same lost of project expression of the at out of want it is the one to resume that did this assembly and unformatly by the end friend still seem pretty much the same sad educated and emotional grim person we first met as the best anyone could hope from nomadic flight of this good and tolerated suffering movie air from standard and stock grip and peace of this eventually portable to blow someone into the end joy would have been satisfied a hint of a smile and the ending score that evolved silently prone sounding like that morning humanity extends itself
गुड बीन एनप जस्ट ए ब्रीफ एंड रिलेटिव एम्बिगस सक्सेस ऑफ पॉसिबिलिटी आई डू नॉट सीक ए हैप्पी डिज्नी एंडिंग एंड दिस वन वाज वेरिट सटिस्फाइड एज द अल्टीमेट डिप्लेटेड क्लिच बट वैन द पोर्टेबल एट ऑल द नोमेडिक एक्सटेंट इज यूजफुल परसेंटेज एज बींग ए फाइटिंग 50 एंड होपलेस ओनली इंसिडेंट एंड ट्रिब्यूनेट ऑफ दिस इट इज वे ऑफ बेर सूरवियल मेंटेन ड्यू टू अडेक्शन मेंटल इलनेस पैथोलॉजिकल ऑफ दिस प्रवास एनग्यूरेंट स्टूपिड द नोमैड कम्युनिटी रिफ्यूड द जोइलिंग बॉब वेल्स वाज मार्वेल्स एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ ड्यूज थिंक डू हैव द पोर्टेबल टू बी ट्रू बट सीन्स वेरी वी आर फ्लोइंग फरन इट वुड हैव बीन सटिस्फाइड टू हैव द फ्लिप साइड पोर्टेबल बाई हेयर पर्सनली दैट इवन इफ इट इज नॉट एन इंटरनेशनल गोल ए सिंगल नोमैडिक लिविंग सिचुएशन कैन बी ए पॉजिटिव एंड इवन ट्रांसपेंट अल्टरनेटिव फॉर द राइट इंडिविजुअल ऑफ आई लव फ्रांसिस्को मैकडोरमैंड दैट ऑफ हाउ एयर इन टू द वे इन्फ्लूज माई डिसीजन टू रेट दिस मूवी 5/5 एंड आई फील द लॉस ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब एंड हाउ इम्यूनिटी ब्यूटिफुल एंड पोगमेंट दिस मास्टर पीस ट्रूली इज हाउ एवर इट इज माई ऑल द बेस्ट नो मैन लैंड इट इज थ्रू आउट प्रोकिंग जनरी ओप एज एन एल्डरली वूमैन हु हैज लॉस्ट नॉट ओनली एयर हस्बैंड एंड जॉब ओप दिस एंट्री लाइफ इज द एक्यूमेंट टाउन ऑफ एम्पायर दैट सी जाज ओप एग्जिट ड्यूरिंग द रीजन द मूवी इज लाइक एंड ओडिवेशन दैट इंट्रोडक्शन एज टू द क्यूट लाइफ ऑफ नोमैड्स दैट हैव बीन प्यूस टू द ईडीजी ऑफ पॉवर्टी एंड इन टू द हारनेस एंड इसोलेशन ओप नोमैडिक लाइफ द हुज सू दैट ओप नोमैड लैंड लैक्स ओप Well, it is really is not about and thriller, twist and trance and joyous miracles of vacation. Instant of it is about the monotony and solitude, your own real nomadic life where the most fun you can ever have joining fellow nomads over a bonfire visiting and RV show in town clips picture and next to an emerging nomadland and cinematic masterpiece and I love the whole Francis McDormand makes it so much more gratifying it is so much many ways her suitable and powerful emotional are palpable every time she remember her husband for just listen to follow that I have no reachable at to say that Nomadland is one of the most extraordinary films I have ever seen would be an understand it also one of the most beautiful emotional riveting and moving films I have ever seen as well Colin Zhuo did an incredible job and crafting a beautiful moving and extraordinary film about a friend who embarks on a journey to the American West after losing everything during the reason how it handled it is subject of what it feels like and homeless as well it is message and good thing about very fantastic Nomadland and good performance of this movie साल 2020 में रिलीज हुई नोमैडलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डेविड स्टेटरियन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था नोमैडलैंड मूवी था, जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और वेस्टर्न की कैटेगरी की फिल्म, जो कि नोमैडलैंड मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 48 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 48 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 79% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.3 है और इस मूवी
की रिलीज डेट 19 फरवरी 2021 को यूएसए के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर चलो जोहा थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं नोमैडलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वाज परसेंटेज विथ दिस मूवी विथ नो प्रमाइज नो इंट्रोडक्शन एंड आई फाउंड द फैक्ट दैट इट वाज नॉट ब्लिड विथ बोरिंग टाइटल डिज्नी ट्रोप्स वन ऑफ इट इज मोस्ट कॉम्प्लिंग फीचर इट वाज एंड एब्सोल्युटली जॉय टू वाच फिकेशन आई कुड नॉट प्रेडिक्ट एंड स्लिप थ्रू आउट जो हम ये समवन ऑपरेड एयर डॉग सो दैट गोइंग टू द बुक एंड हार्ट वार्मिंग सेविंग ग्रेस फॉर इज लाइफ द डॉग द जॉब्स द लॉटरी साइन द कनोकिंग मैन द जॉब्स एंड मीनिंग मैन द नाइट ऑफ सीनिंग एरमोर द कंट्री सिस्टर द डाइंग फ्रेंड द रिटर्न टू फेमिलियर ग्राउंड फेर एन अप्रोचमेंट इवन द नोमैडिक कम्युनिटी इट सेल्फ आफ्टर ए वाइल आई फाउंड माई सेल्फ लुकिंग फॉर डीले क्लिप्स दे आर द वेरी ईस्टर एग हाउ मैनिंग कॉम्प्लेंस डेमोक्रेटिक प्लॉट वाइल ऑफ दिस गुड पॉइंट्स वेरी परसेंटेज एंड गुड एंड द क्वालिटी लेफ्ट टू डाई आर्ड जस्ट लाइक रियल लाइफ विल डू लव दैट आई विल एडमिट आई डिड नॉट सी फार गो एज ए कॉमेडी दैन द फर्स्ट टाइम अराउंड मे सम वन ऑफ दिस रिस्पॉन्ड टू टीजिंग ऑफ दिस स्क्रीन राइटर एंड रेपुटेशन एज वेल पिकागो आई सी यू एंड योर परसेंटेज प्लॉट एक्सप्रेशन हा इट सो लंच बट आई आल्सो स्माइल इट वॉज हुगली रिफ्रेशिंग इफ आई हैव वन डिसअपॉइंटमेंट इट इज़ दैट द मूवी डिड नॉट एंड विथ एक्नोलेजमेंट दैन इट इज़ पॉसिबल टू लाइव लाइक दिस एंड हैव इंटरनल हैपनेस आई डू नॉट मीन दैट स्ट्रगलिंग इन टू द ऑब्जेक्ट पॉवर्टी लॉस एंड अनस्टेबल लिविंग सिचुएशन इज प्लेसमेंट और डिप्रेशन इवन आई मैन दैट emotional speaking not everyone want to needs the argument baras ring of ultimate personal relationship or integrative predictable life some people find their peace in a different palace to me once fearing handled from grip and loss she seemed to be a mad for life alone the road it was acknowledgement that she was always wired adventurous and genius somewhat like of this people Francisco McDormand and did a fantastic job of portable a person did odd but kind personal skill and yet extreme boundaries and a lot of wisdom resilience pain and sorrow but friends eventually glad of the same lost of project expression of the at out of want it is the one terrorism that did this assembly and unformatly by the end friend still seem pretty much the same sad educated and emotional grim person we first met as the best anyone could hope from nomadic flight of this good and tolerated suffering movie air from standard and stock grip and piece of this eventually portable to blow someone into the end joy would have been satisfied a hint of a smile and the ending score that evolved silently prone sounding like that mourning humanity extends itself would been enough just a brief and relative ambiguous success of possibility I do not seek a happy Disney ending and this one was very satisfied as the ultimate depleted cliche but when the portable at all the nomadic extent is useful percentage as being a fighting 50 and hopeless only incident and tribunate of this it is way of bear surreal maintain due to addiction mental illness pathological of this prabhas and ignorant stupid the nomad community refuted the joeling bob wells was marvels and of course all of those think do have the portable to be true but since very we are following for an it would have been satisfied to have the flip side portable by her personally that even if it is not an international goal a single nomadic living situation can be a positive
एग्जीक्यूटिव एंड इवन ट्रांसपेंट अल्टरनेटिव फॉर द राइट इंडिवल ऑफ आई लव फ्रांसिस्को मैकडोरमंड दैट ऑफ हाउ एयर इन टू द वे इन्फ्लूज माई डिसीजन टू राइट दिस मूवी 5/5 एंड आई फील द लॉस ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब एंड हाउ इम्यूनिटी ब्यूटिफुल एंड पोगमेंट दिस मास्टर पीस ट्रूली इज हाउ एवर इट इज माई ऑल द बेस्ट नो मैन लैंड इट इज थ्रू आउट प्रोकिंग जनरी ओप एज एन एल्डरली वूमैन हु हैज लॉस्ट नॉट ओनली एयर हस्बैंड एंड जॉब ओप दिस एंट्री लाइफ इज द इक्विपमेंट टाउन ओप एम्पायर दैट सी जाज ओप एग्जिट ड्यूरिंग द रीजन द मूवी इज लाइक एंड ओडिवेशन दैट इंट्रोडक्शन एज टू द क्यूट लाइफ ओप नोमैड्स दैट हैव बीन प्यूस टू द ईडीजी ओप पॉवर्टी एंड इन टू द हारनेस एंड इसोलेशन ओप नोमैडिक लाइफ द वूज सू दैट ओप नोमैड लैंड लैक्स ओप स्टोरी वेल इट इज रियली इज नॉट अबाउट एंड थ्रिलियर ट्विस्ट एंड ट्रंस एंड जोयोस मिरेकल्स ऑफ फिकेशन इंस्टेंट ऑफ इट इज अबाउट द मोटो नेम एंड सोल्यूट्यूड एयर ऑन रियल नोमैडिक लाइफ वेयर द मोस्ट फन यू कैन एवर हैव जॉइनिंग फ्लो नोमैड्स आवर ए बोनफायर विजिटिंग एंड आर वी शो इन टाउन क्लिच पिक्चर एंड नेक्स्ट टू एन इमरजेंसी नोमैडलैंड एंड सिनेमैटिक मास्टरपीस एंड आई लव द होर Francis McDormand makes it so much more gratifying. It is so much many ways her suitable and powerful emotional are palpable every time she remember her husband for just listen to flow that I have not reachable at to say that Nomadland is one of the most extraordinary films I have ever seen would be an understand it also one of the most beautiful emotional riveting and moving films I have every scene as well Colin Joao did an incredible job and crafting a beautiful moving and extraordinary film about a friend who embarks on a journey to the American West after losing everything during the reason how it and would it is subject of what it feels like and homeless as well it is message and good thing about very fantastic Nomadland and good performance of this movie साल 2020 में रिलीज हुई नोमैडलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डेविड स्टेट्रियन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था नोमैडलैंड मूवी था जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और वेस्टर्न की कैटेगरी की फिल्म जो कि नोमैडलैंड मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 48 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 48 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 79% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 7.3 है और इस मूवी की रिलीज डेट 19 फरवरी 2021 को USA के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर चलो जोहा थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं नोमैडलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वाज परसेंटेज विथ दिस मूवी विथ नो प्रमाइज नो इंट्रोडक्शन एंड आई फाउंड द फैक्ट दैट इट वाज नॉट फिल्ड विथ बोरिंग टाइटल डिज्नी ट्रोप्स वन ऑफ इट इज मोस्ट कॉम्प्लेंग फीचर इट वाज एंड अब्सोल्युटली जॉय टू वाच फिकेशन आई कुड नॉट प्रेडिक्ट एंड स्लिप थ्रू आउट जो हम ये समवन ऑपरेट एयर डॉग सो दैट गोइंग टू द बुक एंड हार्ट वार्मिंग सेविंग ग्रेस फॉर इज लाइफ द डॉग द जॉब्स द लॉटरी साइन द कनोकिंग मैन द जॉब्स एंड मीनिंग मैन द नाइट ऑफ सीनिंग एरमोर द कंट्री सिस्टर द डाइंग फ्रेंड द रिटर्न टू फेमिलियर ग्राउंड फेर एन अप्रोचमेंट
एंगेजमेंट इविन द नोमैडिक कम्युनिटी इटसेल्फ आफ्टर ए वाइल आई फाउंड माई सेल्फ लुकिंग फॉर डीले क्लिप्स दे आर द वेरी ईस्टर एग हाउ मेनी कॉम्प्लेन्स डेमोक्रेटिक प्लॉट वाइल ऑफ दिस गुड पॉइंट्स वेरी परसेंटेज एंड गुड एंड द क्वालिटी लेफ्ट टू डाई आर्ड जस्ट लाइक रियल लाइफ विल डू लव दैट आई विल एडमिट आई डिड नॉट सी फार गो एज ए कॉमेडी दैन द फर्स्ट टाइम अराउंड मे सम वन ऑफ दिस रिस्पॉन्ड टू टीजिंग ऑफ दिस स्क्रीन राइटर एंड रेपुटेशन एज वेल पिकागो I see you and your percentage plot expression haha it is so lunch but I also smile it was hugely refreshing if I have one disappointment it is that the movie did not end with acknowledgement then it is possible to live like this and have internal happiness I do not mean that struggling into the object poverty loss and unstable living situation is placement or depression even I mean that emotional Personally speaking, not everyone want to needs the argument baras ring of ultimate personal relationship or integrative predictable life. Some people find their peace in a different palace to me once fearing handled from grip and loss. She seemed to be a mad for life alone the road. It was acknowledgement that she was always wired adventurous and genius, somewhat like of this people, Francisco McDormand. Did a fantastic job of portable a person did odd what kind personal skill and yet extreme boundaries and a lot of wisdom resilience pain and sorrow but friends eventually glad of the same lost of project expression of the at out of want it is the one tourism that did this assembly and unformatly by the end friend still seem pretty much the same sad educated and emotional grim person we first met as the best anyone could hope from nomadic flight of this good and tolerated suffering movie air from standard and stock grip and peace of this eventually portable to blow someone into the end joy would have been satisfied a hint of a smile and the ending score that evolved silently prone sounding like that morning humanity extends itself have good been enough just a brief and relative ambiguous success of possibility I do not seek a happy Disney ending and this one was very satisfied as the ultimate depleted cliche but when the portable at all the nomadic extent is useful percentage as being a fighting 50 and hopeless only incident and tribunate of this it is way of bare surreal maintain due to addiction mental illness pathological of this pervas and ignorant stupid the nomad community refuted the joeling bob wells was marvels and of course all of those think do have the portable to be true but since very we are following for an it would have been satisfied to have the flip side portable by her personally that even if it is not an international goal a single nomadic living situation can be a positive and even transparent alternative for the right individual opal I love Francisco McDormand that op however into the way influence my decision to rate this movie 5/5 4 stars and I feel the loss of words to describe and how immunity beautiful and poignant this masterpiece truly is however it is my all the best Nomadland it is throughout provoking genre of as an elderly woman who has lost not only her husband and job of this entry life is the acumen town of empire that she has of exit during the reason the movie is like and odyssey that introduction as to the cute life of nomads that have been fused to the edg of poverty and into the harness and isolation of nomadic life the whose suit that of nomad land lacks of a story
स्टोरी वेल इट इज़ रियली इज नॉट अबाउट एंड थ्रिलियर ट्विस्ट एंड ट्रंस एंड जोयोस मिरेकल्स ऑफ फिकेशन इंस्टेंट ऑफ इट इज़ अबाउट द मोटो नेम एंड सोल्यूट्यूड एयर ऑन रियल नोमैडिक लाइफ वेयर द मोस्ट फन यू कैन एवर हैव जॉइनिंग फ्लो नोमैड्स आवर ए बोनफायर विजिटिंग एंड आर वी शो इन टाउन क्लिच पिक्चर एंड नेक्स्ट टू एन इमरजेंसी नोमैडलैंड एंड सिनेमाटिक मास्टरपीस एंड आई लव द होर फ्रांसिस मैकडोरमैंड मैक्स इट सो मच मोर ग्रेफिफाइंग इट सो मच मैनी वेज हर सूटेबल एंड पावरफुल इमोशनल आर पेपलेबल एवरी टाइम सी रिमेंबर हेयर हस्बैंड फॉर जस्ट लिस्टन टू फ्लो दैट आई हैव नोच रीचेबल एट टू से दैट नोमैडलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रनरी फिल्म्स आई हैव एवरी सीन वुल्ड बी एन अंडरस्टैंड इट आल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल इमोशनल रिवेटिंग एंड मूविंग फिल्म्स आई हैव एवरी सीन एज वेल कोल जुआओ डिड ए इनक्रेडिबल जॉब एंड क्राफ्टिंग ए ब्यूटिफुल मूविंग एंड एक्सट्रनरी फिल्म अबाउट फ्रेंड हु एम्बार्क्स ऑन ए जर्नी टू द अमेरिकन वेस्ट आफ्टर लॉसिंग एवरीथिंग ड्यूरिंग द रीजन हाउ इट हैंडल्ड इट इज सब्जेक्ट ऑफ व्हाट इट फील्स लाइक एंड होमलेस एज वेल इट इज मैसेज एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक नोमैडलैंड एंड गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी। साल 2020 में रिलीज हुई नोमैडलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डेविड स्टेट्रियन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था नोमैडलैंड मूवी था, जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और वेस्टर्न की कैटेगरी की फिल्म, जो कि नोमैडलैंड मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 48 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 48 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 79% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.3 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 19 फरवरी 2021 को USA के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर चलो जोहा थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं नोमैडलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वाज परसेंटेज विथ दिस मूवी विथ नो प्रमाइज नो इंट्रोडक्शन एंड आई फाउंड द फैक्ट दैट इट वाज नॉट ब्लिड विथ बोरिंग टाइटल डिज्नी ट्रोप्स वन ऑफ इट इज मोस्ट कॉम्प्लिंग फीचर इट वाज एंड अब्सोल्युटली जॉय टू वाच फिकेशन आई कुड नॉट प्रेडिक्ट एंड स्लिप थ्रू आउट जो हम ये समवन ऑपरेट एयर डॉग सो दैट गोइंग टू द बुक एंड हार्ट वार्मिंग सेविंग ग्रेस फॉर इज लाइफ द डॉग द जॉब्स द लॉटरी साइन द कनोकिंग मैन द जॉब्स एंड मीनिंग मैन द नाइट ऑफ सीनिंग एरमोर द कंट्री सिस्टर द डाइंग फ्रेंड द रिटर्न टू फेमिलियर ग्राउंड फेर एन अप्रोचमेंट इवन द नोमैडिक कम्युनिटी इटसेल्फ आफ्टर ए वाइल आई फाउंड माई सेल्फ लुकिंग फॉर डीले क्लिप्स दे आर द वेरी ईस्टर एग हाउ मेनिंग कॉम्प्लेंस डेमोक्रेटिक प्लॉट वाइल ऑफ दिस गुड पॉइंट्स वेरी परसेंटेज एंड गुड एंड द क्वालिटी लेफ्ट टू डाई हार्ड जस्ट लाइक रियल लाइफ विल डू लव दैट आई विल एडमिट आई डिड नॉट सी फार गो एज ए कॉमेडी दैन द फर्स्ट टाइम अराउंड मे सम वन ऑफ दिस रिस्पॉन्ड टू टीजिंग ऑफ दिस स्क्रीन राइटर एंड रेपुटेशन एज वेल पिकागो
आई सी यू एंड योर परसेंटेज प्लॉट एक्सप्रेशन हा हा इट इज़ सो लंच बट आई आल्सो स्माइल इट वॉज हुगली रिफ्रेशिंग इफ आई हैव वन डिसअपॉइंटमेंट इट इज़ दैट द मूवी डिड नॉट एंड विथ एक्नोलेजमेंट दैन इट इज़ पॉसिबल टू लाइव लाइक दिस एंड हैव इंटरनल हैपनेस आई डू नॉट मीन दैट स्ट्रगलिंग इन टू द ऑब्जेक्ट पॉवर्टी लॉस एंड अनस्टेबल लिविंग सिचुएशन इज प्लेसमेंट और डिप्रेशन इवन आई मैन दैट emotional speaking not everyone want to needs the argument baras ring of ultimate personal relationship or integrative predictable life some people find their peace in a different palace to me once fearing handled from grip and loss she seemed to be a mad for life alone the road it was acknowledgement that she was always wired adventurous and genius somewhat like of this people Francisco McDormand and did a fantastic job of portable a person did odd but kind personal skill and yet extreme boundaries and a lot of wisdom resilience pain and sorrow but friends eventually glad of the same lost of project expression of the at out of want it is the one to resume that did this assembly and unformatly by the end friend still seem pretty much the same sad educated and emotional grim person we first met as the best anyone could hope from nomadic flight of this good and tolerated suffering movie air from standard and stock grip and piece of this eventually portable to blow someone into the end joy would have been satisfied a hint of a smile and the ending score that evolved silently prone sounding like that morning humanity extends itself would been enough just a brief and relative ambiguous success of possibility I do not seek a happy Disney ending and this one was very satisfied as the ultimate depleted cliche but when the portable at all the nomadic extent is useful percentage as being a fighting 50 and hopeless only incident and tribunate of this it is way of bare survival maintain due to addiction mental illness pathological op this pervas and ignorant stupid the nomad community refuted the joeling bob wells was marvels and of course all op dues think do have the portable to be true but since very we are following for an it would have been satisfied to have the flip side portable by here personally that even if it is not an international goal a single nomadic living situation can be a positive and even transparent alternative for the right individual opal I love Francisco McDormand that op however into the way influence my decision to rate this movie 5/5 4 stars and I feel the loss of words to describe and how immunity beautiful and poignant this masterpiece truly is however it is my all the best Nomadland it is throughout provoking generally op as an elderly woman who has lost not only her husband and job op this entry life is the acumen town op empire that she jaz op exit during the reason the movie is like and audition that introduction as to the cute life op nomads that have been abused to the edg of poverty and into the harness and isolation op nomadic life the huge so that op nomad land lacks op a story well it is really is not about and thriller twist and turns and joyous miracles of vacation instant of it is about the motto name and solitude your own real nomadic life where the most fun you can ever have joining fellow nomads our a bonfire visiting and RV show in town clips picture and next to an emergency nomadland and cinematic masterpiece and I love the whole Francis McDormand makes it so much more gratifying it is so much many ways her suitable and powerful emotional are palpable every time she remember her husband for just listen to follow that I have no reachable at to say that Nomadland is one of the most extraordinary films I have ever seen would be an understand it also one of the most beautiful emotional riveting and moving films I have ever
एवरी सीन एज वेल कोलम जोआओ डिड ए इनक्रेडिबल जॉब एंड क्राफ्टिंग ए ब्यूटीफुल मूविंग एंड एक्सट्रनरी फिल्म अबाउट फ्रेंड हु एम्बार्क्स ऑन ए जर्नी टू द अमेरिकन वेस्ट आफ्टर लॉसिंग एवरीथिंग ड्यूरिंग द रीजन हाउ इट हैंडल्ड इट इज सब्जेक्ट ऑफ व्हाट इट फील्स लाइक एंड होमलेस एज वेल इट इज मैसेज एंड गुड थिंग अबाउट वेरी फैंटास्टिक नोमैडलैंड एंड गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी। साल 2020 में रिलीज हुई नोमैडलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डेविड स्टेट्रियन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था नोमैडलैंड मूवी था, जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और वेस्टर्न की कैटेगरी की फिल्म, जो कि नोमैडलैंड मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 48 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 48 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 79% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.3 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 19 फरवरी 2021 को USA के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर चलो जोहा थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं नोमैडलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वाज परसेंटेज विथ दिस मूवी विथ नो प्रमाइज नो इंट्रोडक्शन एंड आई फाउंड द फैक्ट दैट इट वाज नॉट ब्लिड विथ बोरिंग टाइटल डिज्नी ट्रोप्स वन ऑफ इट इज मोस्ट कॉम्प्लिंग फीचर इट वाज एंड अब्सोल्युटली जॉय टू वाच फिकेशन आई कुड नॉट प्रेडिक्ट एंड स्लिप थ्रू आउट जो हम ये समवन ऑपरेट एयर डॉग सो दैट गोइंग टू द बुक एंड हार्ट वार्मिंग सेविंग ग्रेस फॉर इज लाइफ द डॉग द जॉब्स द लॉटरी साइन द कनोकिंग मैन द जॉब्स एंड मीनिंग मैन द नाइट ऑफ सीनिंग एरमोर द कंट्री सिस्टर द डाइंग फ्रेंड द रिटर्न टू फेमिलियर ग्राउंड फेर एन अप्रोचमेंट इवन द नोमैडिक कम्युनिटी इटसेल्फ आफ्टर ए वाइल आई फाउंड माई सेल्फ लुकिंग फॉर डीले क्लिप्स दे आर द वेरी ईस्टर एग हाउ मेनिंग कॉम्प्लेंस डेमोक्रेटिक प्लॉट वाइल ऑफ दिस गुड पॉइंट्स वेरी परसेंटेज एंड गुड एंड द क्वालिटी लेफ्ट टू डाई हार्ड जस्ट लाइक रियल लाइफ विल डू लव दैट आई विल एडमिट आई डिड नॉट सी फार गो एज ए कॉमेडी दैन द फर्स्ट टाइम अराउंड मे सम वन ऑफ दिस रिस्पॉन्ड टू टीजिंग ऑफ दिस स्क्रीन राइटर एंड रेपुटेशन एज वेल पिकागो आई सी यू एंड योर परसेंटेज प्लॉट एक्सप्रेशन हा इट सो लंच बट आई आल्सो स्माइल इट वॉज हुगली रिफ्रेशिंग इफ आई हैव वन डिसअपॉइंटमेंट इट इज़ दैट द मूवी डिड नॉट एंड विथ एक्नोलेजमेंट दैन इट इज़ पॉसिबल टू लाइव लाइक दिस एंड हैव इंटरनल हैपनेस आई डू नॉट मीन दैट स्ट्रगलिंग इन टू द ऑब्जेक्ट पॉवर्टी लॉस एंड अनस्टेबल लिविंग सिचुएशन इज प्लेसमेंट और डिप्रेशन इवन आई मैन दैट emotional speaking not everyone want to needs the argument baras ring of ultimate personal relationship or integrative predictable life some people find their peace in a different palace to me once fearing handled from grip and loss she seemed to be a mad for life alone the road it was acknowledgement that she was always wired adventurous and genius somewhat like of this people Francisco McDormand
एंड डिड ए फैंटास्टिक जॉब ओ पोर्टेबल ए पर्सन डिड ओड वट काइंड पर्सनल स्किल एंड येट एक्सट्रीमी बाउंड्रीज एंड ए लॉट ऑफ विजडम रेसिलेंस पैन एंड स्रो बट फ्रेंड्स एवेंचुअली ग्लैड ऑफ द सेम लॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द एट आउट ऑफ वांट इट इज द वन टूरिज्म दैट डिड डिज असेंबली एंड अनफॉर्मेटली बाय द एंड फ्रेंड स्टिल सिम प्रीति मच द सैम सैड एजुकेटेड एंड इमोशनल ग्रेम पर्सन वी फर्स्ट मैट एज द बेस्ट एनी वन कुल्ड होप फ्रॉम नोमैडिक फ्लाइट ऑफ दिस गुड एंड टॉलरेटेड सरप्रिंग मूवी एयर फ्रॉम स्टैंडर्ड एंड स्टॉक ग्रिप एंड पीस ऑफ दिस एवेंचुअली पोर्टेबल टू बलो सम अन इन टू द एंड जॉय वुड हैव बीन सटिस्फाइड ए हिंट ऑफ स्माइल एंड द एंडिंग स्कोर दैट इवोल्वेड साइलेंटली प्रॉन्ट साउंडिंग लाइक दैट मॉर्निंग ह्यूमैनिटी एक्सटेंड्स इट सेल्फ हैव गुड बीन एनअप जस्ट ए ब्रीफ एंड रिलेटिव एम्बिगस सक्सेस ऑफ पॉसिबिलिटी आई डू नॉट सीक ए हैप्पी डिज्नी एंडिंग एंड दिस वन वॉज वेरी सटिस्फाइड एज द अल्टीमेट डिप्लेटेड क्लिच बट वैन द पोर्टेबल एट ऑल द नोमैडिक एक्सटेंड इज यूजफुल परसेंटेज एज बींग ए फाइटिंग 50 एंड होपलेस ओनली इंसिडेंट एंड ट्रिब्यूनेट ऑफ दिस इट इज वे ऑफ बेर सूरवियल मेंटेन ड्यू टू अडेक्शन मेंटल इलनेस पैथोलॉजिकल ऑफ दिस प्रवास एनग्यूरेंट स्टूपिड द नोमैड कम्युनिटी रिफ्यूड द जोइलिंग बॉब वेल्स वाज मार्वल्स एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ ड्यूज थिंक डू हैव द पोर्टेबल टू बी ट्रू बट सीन्स वेरी वी आर फ्लोइंग फरन इट वुड हैव बीन सटिस्फाइड टू हैव द फ्लिप साइड पोर्टेबल बाई हेयर पर्सनली दैट इवन इफ इट इज नॉट एन इंटरनेशनल गोल ए सिंगल नोमैडिक लिविंग सिचुएशन कैन बी ए पॉजिटिव एंड इवन ट्रांसपेरेंट अल्टरनेटिव फॉर द राइट इंडिविजुअल ऑफ आई लव फ्रेंड्स को मैकडोरमेंट दैट ऑफ हाउ एयर इन टू द वे इन्फ्लूज माई डिसीजन टू रेट दिस मूवी 5/5 एंड आई फील द लॉस ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब एंड हाउ इम्यूनिटी ब्यूटिफुल एंड पोगमेंट दिस मास्टर पीस ट्रूली इज हाउ एवर इट इज माई ऑल द बेस्ट नो मैन लैंड इट इज थ्रू आउट प्रोकिंग जनरी ओप एज एन एल्डरली वूमैन हु हैज लॉस्ट नॉट ओनली एयर हस्बैंड एंड जॉब ओप दिस एंट्री लाइफ इज द एक्यूमेंट टाउन ओप एम्पायर दैट सी जाज ओप एग्जिट ड्यूरिंग द रीजन द मूवी इज लाइक एंड ओडिवेशन दैट इंट्रोडक्शन एज टू द क्यूट लाइफ ओप नोमैड्स दैट हैव बीन प्यूस टू द ईडीजी ओ पॉवर्टी एंड इन टू द हारनेस एंड इसोलेशन ओप नोमैडिक लाइफ द हुज सू दैट ओप नोमैड लैंड लैक्स ओप Well, it is really is not about and thriller, twist and trance and joyous miracles of vacation. Instant of it is about the monotony and solitude your own real nomadic life where the most fun you can ever have joining fellow nomads over a bonfire visiting and RV show in a town clips picture and next to an emergency nomadland and cinematic masterpiece and I love the whole Francis McDormand makes it so much more gratifying it is so much many ways her suitable and powerful emotional are palpable every time she remember her husband for just listen to follow that I have no reachable at to say that Nomadland is one of the most extraordinary films I have ever seen would be an understand it also one of the most beautiful emotional riveting and moving films I have ever seen as well Colin Zhuo did an incredible job and crafting a beautiful moving and extraordinary film about a friend who embarks on a journey to the American West after losing everything during the reason how it handled it is subject of what it feels like and homeless as well it is message and good thing about very fantastic Nomadland and good performance of this movie साल 2020 में रिलीज हुई नोमैडलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डेविड स्टेट्रियन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था नोमैडलैंड मूवी था, जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और वेस्टर्न की कैटेगरी की फिल्म, जो कि नोमैडलैंड मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी।
तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 48 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा, और आपको 1 घंटे 48 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी, और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 79% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 7.3 है, और इस मूवी की रिलीज डेट 19 फरवरी 2021 को USA के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया, और इस मूवी के डायरेक्टर चलो जोहा थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं नोमैडलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वाज परसेंटेज विथ दिस मूवी विथ नो प्रमाइज नो इंट्रोडक्शन एंड आई फाउंड द फैक्ट दैट इट वाज नॉट फिल्ड विथ बोरिंग टाइटल डिज्नी ट्रोप्स वन ऑफ इट इज मोस्ट कॉम्प्लिंग फीचर इट वाज एंड एब्सोल्युटली जॉय टू वाच फिकेशन आई कुड नॉट प्रेडिक्ट एंड स्लिप थ्रू आउट जो हम ये समवन ऑपरेड एयर डॉग सो दैट गोइंग टू द बुक एंड हार्ट वार्मिंग सेविंग ग्रेस फॉर इज लाइफ द डॉग द जॉब्स द लॉटरी साइन द कनोकिंग मैन द जॉब्स एंड मीनिंग मैन द नाइट ऑफ सीनिंग एरमोर द कंट्री सिस्टर द डाइंग फ्रेंड द रिटर्न टू फेमिलियर ग्राउंड फेर एन अप्रोचमेंट इवन द नोमैडिक कम्युनिटी इट सेल्फ आफ्टर ए वाइल आई फाउंड माई सेल्फ लुकिंग फॉर डीले क्लिप्स दे आर द वेरी ईस्टर एग हाउ मेनिंग कॉम्प्लेन्स डेमोक्रेटिक प्लॉट वाइल ऑफ दिस गुड पॉइंट्स वेरी परसेंटेज एंड गुड एंड द क्वालिटी लेफ्ट टू डाई हार्ड जस्ट लाइक रियल लाइफ विल डू लव दैट आई विल एडमिट आई डिड नॉट सी फार गो एज ए कॉमेडी दैन द फर्स्ट टाइम अराउंड मे सम वन ऑफ दिस रिस्पॉन्ड टू टीजिंग ऑफ दिस स्क्रीन राइटर एंड रेपुटेशन एज वेल पिकागो आई सी यू एंड योर परसेंटेज प्लॉट एक्सप्रेशन हा इट सो लंच बट आई आल्सो स्माइल इट वॉज हुगली रिफ्रेशिंग इफ आई हैव वन डिसअपॉइंटमेंट इट इज़ दैट द मूवी डिड नॉट एंड विथ एक्नोलेजमेंट दैन इट इज़ पॉसिबल टू लाइव लाइक दिस एंड हैव इंटरनल हैपनेस आई डू नॉट मीन दैट स्ट्रगलिंग इन टू द ऑब्जेक्ट पॉवर्टी लॉस एंड अनस्टेबल लिविंग सिचुएशन इज प्लेसमेंट और डिप्रेशन इवन आई मैन दैट emotional speaking not everyone want to needs the argument baras ring of ultimate personal relationship or integrative predictable life some people find their peace in a different palace to me once fearing handled from grip and loss she seemed to be a mad for life alone the road it was acknowledgement that she was always wired adventurous and genius somewhat like of this people Francisco McDormand and did a fantastic job of portable a person did odd but kind personal skill and yet extreme boundaries and a lot of wisdom resilience pain and sorrow but friends eventually glad of the same lost of project expression of the at out of want it is the one terrorism that did this assembly and unformatly by the end friend still seem pretty much the same sad educated and emotional grim person we first met as the best anyone could hope from nomadic flight of this good and tolerated suffering movie air from standard and stock grip and peace of this eventually portable to blow someone into the end joy would have been satisfied a hint of smile and the ending score that evolved silently prone sounding like that morning humanity extends itself have
गुड बीन एनप जस्ट ए ब्रीफ एंड रिलेटिव एम्बिगस सक्सेस ओ पॉसिबिलिटी आई डू नॉट सीक ए हैप्पी डिजनी एंडिंग एंड दिस वन वॉज वेरट सटिस्फाइड एज द अल्टीमेट डिप्लेटेड क्लिच बट वैन द पोर्टेबल एट ऑल द नोमेडिक एक्सटेंड इज यूजफुल परसेंटेज एज बींग ए फाइटिंग 50 एंड होपलेस ओनली इंसीडेंट एंड ट्रिब्यूनेट ऑफ दिस इट इज वे ओ बेर सूरवियल मेंटेन ड्यू टू अडक्शन मेंटल इलनेस पैथोलॉजिकल ऑफ दिस प्रवास एनग्यूरेंट स्टूपिड द नोमैड कम्युनिटी रिफ्यूड द जोइलिंग बॉब वेल्स वाज मार्वेल्स एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ ड्यूज थिंक डू हैव द पोर्टेबल टू बी ट्रू बट सीन्स वेरी वी आर फ्लोइंग फरन इट वुड हैव बीन सटिस्फाइड टू हैव द फ्लिप साइड पोर्टेबल बाई हेयर पर्सनली दैट इवन इफ इट इज नॉट एन इंटरनेशनल गोल ए सिंगल नोमैडिक लिविंग सिचुएशन कैन बी ए पॉजिटिव एंड इवन ट्रांसपेंट अल्टरनेटिव फॉर द राइट इंडिविजुअल ऑफ आई लव फ्रांसिस्को मैकडोरमैंड दैट ऑफ हाउ एयर इन टू द वे इन्फ्लूज माई डिसीजन टू रेट दिस मूवी 5/5 एंड आई फील द लॉस ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब एंड हाउ इम्यूनिटी ब्यूटिफुल एंड पोगमेंट दिस मास्टर पीस ट्रूली इज हाउ एवर इट इज माई ऑल द बेस्ट नो मैंड लैंड इट इज थ्रू आउट प्रोवोकिंग जनरी ओप एज एन एल्डरली वूमैन हु हैज लॉस्ट नॉट ओनली एयर हस्बैंड एंड जॉब ओप दिस एंट्री लाइफ इज द एक्यूमेंट टाउन ओप एम्पायर दैट सी जाज ओप एग्जिट ड्यूरिंग द रीजन द मूवी इज लाइक एंड ओडिवेशन दैट इंट्रोडक्शन एज टू द क्यूट लाइफ ओप नोमैड्स दैट हैव बीन प्यूस टू द ईडीजी ओप पॉवर्टी एंड इन टू द हारनेस एंड इसोलेशन ओप नोमैडिक लाइफ द हुज सू दैट ओप नोमैडलैंड लैक्स ओप ए Well, it is really is not about and thriller, twist and turns and joyous miracles of vacation. Instead of it is about the monotony and solitude your own real nomadic life where the most fun you can ever have joining fellow nomads over a bonfire visiting and RV show in a town clips picture and next to an emergency nomadland and cinematic masterpiece and I love the horror Francis मैकडोरमैंड मैक्स इट सो मच मोर ग्रेफिफाइंग इट सो मच मैनी वेज हर सूटेबल एंड पावरफुल इमोशनल आर पेपलेबल एवरी टाइम सी रिमेंबर हेयर हस्बैंड फॉर जस्ट लिस्टन टू फ्लो दैट आई हैव नोच रीचेबल एट टू से दैट नो मैंडलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रनरी फिल्म आई हैव एवरी सीन वुल्ड बी एन अंडरस्टैंड इट आल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल इमोशनल रिवेटिंग एंड मूविंग फिल्म आई हैव एवरी सीन एज वेल कोल जुआओ डिड ए इनक्रेडिबल जॉब एंड क्राफ्टिंग ए ब्यूटिफुल मूविंग एंड एक्सट्रनरी फिल्म अबाउट फ्रेंड हु एम्बार्क्स ऑन ए जर्नी टू द अमेरिकन वेस्ट आफ्टर लॉसिंग एवरीथिंग ड्यूरिंग द रीजन हाउ इट एंड लूड इट इज सब्जेक्ट ऑफ वाट इट फील्स लाइक एंड होमलेस एज वेल इट इज मैसेज एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक नोमैडलैंड एंड गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी। साल 2020 में रिलीज हुई नोमैडलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डेविड स्टेटरियन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था नोमैडलैंड मूवी था। जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और वेस्टर्न की कैटेगरी की फिल्म जो कि नोमैडलैंड मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 48 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 48 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो
तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 79% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.3 है और इस मूवी की रिलीज डेट 19 फरवरी 2021 को USA के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर चलो जोहा थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं नोमैडलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वाज परसेंटेज विथ दिस मूवी विथ नो प्रमाइज नो इंट्रोडक्शन एंड आई फाउंड द फैक्ट दैट इट वाज नॉट फिल्ड विथ बोरिंग टाइटल डिज्नी ट्रोप्स वन ऑफ इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीचर इट वाज एंड एब्सोल्युटली जॉय टू वाच फिकेशन आई कुड नॉट प्रेडिक्ट एंड स्लिप थ्रू आउट जो हम ये समवन ऑपरेट एयर डॉग सो दैट गोइंग टू द बुक एंड हार्ट वार्मिंग सेविंग ग्रेस फॉर इज लाइफ द डॉग द जॉब्स द लॉटरी साइन द कनोकिंग मैन द जॉब्स एंड मीनिंग मैन द नाइट ऑफ सीनिंग एरमोर द कंट्री सिस्टर द डाइंग फ्रेंड द रिटर्न टू फेमिलियर ग्राउंड फेर एन अप्रोचमेंट इवन द नोमैडिक कम्युनिटी इट सेल्फ आफ्टर ए वाइल आई फाउंड माई सेल्फ लुकिंग फॉर डीले क्लिप्स दे आर द वेरी ईस्टर एग हाउ मेनिंग कॉम्प्लेन्स डेमोक्रेटिक प्लॉट वाइल ऑफ दिस गुड पॉइंट्स वेरी परसेंटेज एंड गुड एंड द क्वालिटी लेफ्ट टू डाई हार्ड जस्ट लाइक रियल लाइफ विल डू लव दैट आई विल एडमिट आई डिड नॉट सी फार गो एज ए कॉमेडी दैन द फर्स्ट टाइम अराउंड मे सम वन ऑफ दिस रिस्पॉन्ड टू टीजिंग ऑफ दिस स्क्रीन राइटर एंड रेपुटेशन एज वेल पिकागो आई सी यू एंड योर परसेंटेज प्लॉट एक्सप्रेशन हा इट सो लंच बट आई आल्सो स्माइल इट वॉज हुगली रिफ्रेसिंग इफ आई हैव वन डिसअपॉइंटमेंट इट इज़ दैट द मूवी डिड नॉट एंड विथ एक्नोलेजमेंट दैन इट इज़ पॉसिबल टू लाइव लाइक दिस एंड हैव इंटरनल हैपनेस आई डू नॉट मीन दैट स्ट्रगलिंग इन टू द ऑब्जेक्ट पॉवर्टी लॉस एंड अनस्टेबल लिविंग सिचुएशन इज प्लेसमेंट और डिप्रेशन इवन आई मैन दैट emotional speaking not everyone want to needs the argument baras ring of ultimate personal relationship or integrative predictable life some people find their peace in a different palace to me once fearing handled from grip and loss she seemed to be a mad for life alone the road it was acknowledgement that she was always wired adventurous and genius somewhat like of this people Francisco McDormand and did a fantastic job of portable a person did odd what kind personal skill and yet extreme boundaries and a lot of wisdom resilience pain and sorrow but friends eventually glad of the same lost of project expression of the at out of want it is the one terrorism that did this assembly and unformatly by the end friend still seem pretty much the same sad educated and emotional grim person we first met as the best anyone could hope from nomadic flight of this good and tolerated supreme movie air from standard and stock grip and piece of this eventually portable to blow someone into the end joy would have been satisfied a hint of a smile and the ending score that evolved silently prone sounding like that morning humanity extends itself have would been enough just a brief and relative ambiguous success of possibility I do not seek a happy Disney ending and this one was very satisfied as the ultimate depleted cliche but when the portable at all the nomadic extent is useful percentage as being a fighting 50 and hopeless only incident and tribunate of this it is way of bare surreal maintain due to addiction mental illness pathological op this prabhas and ignorant stupid the nomad community refused the joeling bob wells was marvels and of course all op dudes think do have the portable to be true but since very we are following for an it would have been satisfied to have the flip side portable by her personally that even if it is not an international goal a single nomadic living situation can be a positive
एग्जीक्यूटिव एंड इवन ट्रांसपेंट अल्टरनेटिव फॉर द राइट इन ड्यूएल ऑफ आई लव फ्रेंड्स को मैकडोरमेंट दैट ऑफ हाउ एयर इन टू द वे इन्फ्लूज माई डिसीजन टू रेट दिस मूवी 5/5 एंड आई फील द लॉस ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब एंड हाउ इम्यूनिटी ब्यूटिफुल एंड पोगमेंट दिस मास्टर पीस ट्रूली इज हाउ एवर इट इज माई ऑल द बेस्ट नो मैंड लैंड इट इज थ्रू आउट प्रोकिंग जनरी ओप एज एन एल्डरली वूमैन हु हैज लॉस्ट नॉट ओनली एयर हस्बैंड एंड जॉब ओप दिस एंट्री लाइफ इज द इक्विपमेंट टाउन ऑफ एम्पायर दैट सी जाज ओप एग्जिट ड्यूरिंग द रीजन द मूवी इज लाइक एंड ओडिवेशन दैट इंट्रोडक्शन एज टू द क्यूट लाइफ ऑप नोमैंड्स दैट हैव बीन प्यूस टू द ईडीजी ऑफ पॉवर्टी एंड इन टू द हारनेस एंड इसोलेशन ओप नोमैडिक लाइफ द वूज सू दैट ओप नोमैंड लैंड लैक्स ओप Well, it is really is not about and thriller, twist and trance and joyous miracles of vacation instant of it is about the monotony and solitude air on real nomadic life where the most fun you can ever have joining fellow nomads over a bonfire visiting and RV show in a town cliche picture and next to an emergency nomadland and cinematic masterpiece and I love the horror fantasy मैकडोरमैंड मैक्स इट इज सो मच मोर ग्रेफिफाइंग इट इज सो मच मैनी वेज हर सूटेबल एंड पावरफुल इमोशनल आर पेपलेबल एवरी टाइम सी रिमेंबर हेयर हस्बैंड फॉर जस्ट लिस्टन टू फ्लो दैट आई हैव नोच रीचेबल एट टू से दैट नो मैंडलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रनरी फिल्म आई हैव एवरी सीन वुल्ड बी एन अंडरस्टैंड इट आल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल इमोशनल रिवेटिंग एंड मूविंग फिल्म आई हैव every scene as well Colin Joao did an incredible job and crafting a beautiful moving and extraordinary film about a friend who embarks on a journey to the American West after losing everything during the reason how it handled it is subject of what it feels like and homeless as well it is message and good thing about very fantastic Nomadland and good performance of this movie साल 2020 में रिलीज हुई नोमैडलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डेविड स्टेटरियन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था नोमैडलैंड मूवी था जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और वेस्टर्न की कैटेगरी की फिल्म जो कि नोमैडलैंड मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 48 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 48 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 79% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.3 है और इस मूवी की रिलीज डेट 19 फरवरी 2021 को USA के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर चलो जोहा थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं नोमैडलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वाज परसेंटेज विथ दिस मूवी विथ नो प्रमाइज नो इंट्रोडक्शन एंड आई फाउंड द फैक्ट दैट इट वाज नॉट फिल्ड विथ बोरिंग टाइटल डिज्नी ट्रोप्स वन ऑफ इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीचर इट वाज एंड एब्सोल्युटली जॉय टू वाच फिकेशन आई कुड नॉट प्रेडिक्ट एंड स्लिप थ्रू आउट जो हम ये समवन ऑपरेट एयर डॉग सो दैट गोइंग टू द बुक एंड हार्ट वार्मिंग सेविंग ग्रेस फॉर इज लाइफ द डॉग द जॉब्स द लॉटरी साइन द कनोकिंग मैन द जॉब्स एंड मीनिंग मैन द नाइट ऑफ सीनिंग एरमोर द कंट्री सिस्टर द डाइंग फ्रेंड द रिटर्न टू फेमिलियर ग्राउंड फेर एन अप्रोचमेंट
मूवमेंट इविन द नोमैडिक कम्युनिटी इट सेल्फ आफ्टर ए वाइल आई फाउंड माई सेल्फ लुकिंग फॉर डीले क्लिक्स दे आर द वेरी ईस्टर एग हाउ मेनिंग कॉम्प्लेंस डेमोक्रेटिक प्लॉट वाइल ऑफ दिस गुड पॉइंट्स वेरी परसेंटेज एंड गुड एंड द क्वालिटी लेफ्ट टू डाई हार्ड जस्ट लाइक रियल लाइफ विल डू लव दैट आई विल एडमिट आई डिड नॉट सी फार गो एज ए कॉमेडी दैन द फर्स्ट टाइम अराउंड मे सम वन ऑफ दिस रिस्पॉन्ड टू टीजिंग ऑफ दिस स्क्रीन राइटर एंड रेपुटेशन एज वेल पिकागो I see you and your percentage plot expression. Ha ha, it is so lunch, but I also smile. It was hugely refreshing. If I have one disappointment, it is that the movie did not end with acknowledgement. Then it is possible to live like this and have internal happiness. I do not mean that struggling into the object poverty, loss, and unstable living situation is placement or depression. Even I mean that emotional speaking, not everyone wants to need the argument baras ring of ultimate personal relationship or integrative predictable life. Some people find their peace in a different palace. To me, once feeling handled from grief and loss, she seemed to be a mad for life alone the road. It was acknowledgement that she was always wired, adventurous and genius, somewhat like of these people. Francisco McDormand did a fantastic job of portable a person did odd but kind personal skill and yet extreme boundaries and a lot of wisdom, resilience, pain and sorrow. But friends eventually glad of the same lost of project expression of the at out of want. It is the one tourism that did this assembly and unformatly by the end friend still seem pretty much the same sad educated and emotional grim person we first met as the best anyone could hope from nomadic flight of this good and tolerated surfing movie air from standard and stock grip and piece of this eventually portable to blow someone into the end joy would have been satisfied a hint of a smile and the ending score that evolved silently prone sounding like that morning humanity extends itself have good been enough just a brief and relative ambiguous success of possibility. I do not seek a happy Disney ending and this one was very satisfied as the ultimate depleted cliche. But when the portable at all the nomadic extent is useful percentage as being a fighting 50 and hopeless only incident and tribunate of this it is way of bare surreal maintain due to addiction mental illness pathological of this pervas and ignorant stupid the nomad community refuted the joeling Bob Wells was marvels and of course all of those think do have the portable to be true but since very we are following for an it would have been satisfied to have the flip side portable by her personally that even if it is not an international goal a single nomadic living situation can be a positive and even transparent alternative for the right individual. Opel I love Francisco McDormand that op however into the way influence my decision to rate this movie 5/5 4 stars and I feel the loss of words to describe and how immunity beautiful and poignant this masterpiece truly is. However, it is my all the best Nomadland. It is throughout provoking generally op as an elderly woman who has lost not only her husband and job op this entry life is the acumen town op empire that she judge op exit during the reason the movie is like and odiousing that introduction as to the cute life op nomads that have been fusing to the edg of poverty and into the harness and isolation op nomadic life the whose sue that op nomad land lacks op a story
स्टोरी वेल इट इज़ रियली इज नॉट अबाउट एंड थ्रिलियर ट्विस्ट एंड ट्रंस एंड जोयोस मिरेकल्स ऑफ फिकेशन इंस्टेंट ऑफ इट इज़ अबाउट द मोटो नेम एंड सोल्यूट्यूड एयर ऑन रियल नोमैडिक लाइफ वेयर द मोस्ट फन यू कैन एवर हैव जॉइनिंग फ्लो नोमैड्स आवर ए बोनफायर विजिटिंग एंड आर वी शो इन टाउन क्लिच पिक्चर एंड नेक्स्ट टू एन इमरजेंसी नोमैडलैंड एंड सिनेमैटिक मास्टरपीस एंड आई लव द होर फ्रांसिस मैकडोरमैंड मैक्स इट सो मच मोर ग्रेपिफाइंग इट सो मच मैनी वेज हर सूटेबल एंड पावरफुल इमोशनल आर पेपलेबल एवरी टाइम सी रिमेंबर हेयर हस्बैंड फॉर जस्ट लिस्टन टू फ्लो दैट आई हैव नोच रीचेबल एट टू से दैट नोमैडलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रनरी फिल्म्स आई हैव एवरी सीन वुल्ड बी एन अंडरस्टैंड इट आल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल इमोशनल रिवेटिंग एंड मूविंग फिल्म्स आई हैव एवरी सीन एज वेल कोल जुआओ डिड ए इनक्रेडिबल जॉब एंड क्राफ्टिंग ए ब्यूटिफुल मूविंग एंड एक्सट्रनरी फिल्म अबाउट फ्रेंड हु एम्बार्क्स ऑन ए जर्नी टू द अमेरिकन वेस्ट आफ्टर लॉसिंग एवरीथिंग ड्यूरिंग द रीजन हाउ इट हैंडल्ड इट इज सब्जेक्ट ऑफ व्हाट इट फील्स लाइक एंड होमलेस एज वेल इट इज मैसेज एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक नोमैडलैंड एंड गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी। साल 2020 में रिलीज हुई नोमैडलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डेविड स्टेटरियन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था नोमैडलैंड मूवी था। जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और वेस्टर्न की कैटेगरी की फिल्म, जो कि नोमैडलैंड मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 48 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 48 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 79% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.3 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 19 फरवरी 2021 को USA के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर चलो जोहा थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं नोमैडलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वाज परसेंटेज विथ दिस मूवी विथ नो प्रमाइज नो इंट्रोडक्शन एंड आई फाउंड द फैक्ट दैट इट वाज नॉट फिल्ड विथ बोरिंग टाइटल डिज्नी ट्रोप्स वन ऑफ इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीचर इट वाज एंड एब्सोल्युटली जॉय टू वाच फिकेशन आई कुड नॉट प्रेडिक्ट एंड स्लिप थ्रू आउट जो हम ये समवन ऑपरेट एयर डॉग सो दैट गोइंग टू द बुक एंड हार्ट वार्मिंग सेविंग ग्रेस फॉर इज लाइफ द डॉग द जॉब्स द लॉटरी साइन द कनोकिंग मैन द जॉब्स एंड मीनिंग मैन द नाइट ऑफ सीनिंग एरमोर द कंट्री सिस्टर द डाइंग फ्रेंड द रिटर्न टू फेमिलियर ग्राउंड फेर एन अप्रोचमेंट इविन द नोमैडिक कम्युनिटी इट सेल्फ आफ्टर ए वाइल आई फाउंड माई सेल्फ लुकिंग फॉर डीले क्लिच दे आर द वेरी ईस्टर एग हाउ मैनिंग कॉम्प्लेंस डेमोक्रेटिक प्लॉट वाइल ऑफ दिस गुड पॉइंट्स वेरी परसेंटेज एंड गुड एंड द क्वालिटी लेफ्ट टू डाई हार्ड जस्ट लाइक रियल लाइफ विल डू लव दैट आई विल एडमिट आई डिड नॉट सी फार गो एज ए कॉमेडी दैन द फर्स्ट टाइम अराउंड मे सम वन ऑफ दिस रिस्पॉन्ड टू टीजिंग ऑफ दिस स्क्रीन राइटर एंड रेपुटेशन एज वेल पिकागो
आई सी यू एंड योर परसेंटेज प्लॉट एक्सप्रेशन हा इट सो लंच बट आई आल्सो स्माइल इट वॉज हुगली रिफ्रेशिंग इफ आई हैव वन डिसअपॉइंटमेंट इट इज़ दैट द मूवी डिड नॉट एंड विथ एक्नोलेजमेंट दैन इट इज़ पॉसिबल टू लाइव लाइक दिस एंड हैव इंटरनल हैपनेस आई डू नॉट मीन दैट स्ट्रगलिंग इन टू द ऑब्जेक्ट पॉवर्टी लॉस एंड अनस्टेबल लिविंग सिचुएशन इज प्लेसमेंट और डिप्रेशन इवन आई मैन दैट emotional speaking not everyone want to needs the argument baras ring of ultimate personal relationship or integrative predictable life some people find their peace in a different palace to me once fearing handled from grip and loss she seemed to be a mad for life alone the road it was acknowledgement that she was always wired adventurous and genius somewhat like of this people Francisco McDormand did a fantastic job of portable a person did odd what kind personal skill and yet extreme boundaries and a lot of wisdom resilience pain and sorrow but friends eventually glad of the same lost of project expression of the at out of want it is the one terrorism that did this assembly and unfortunately by the end friend still seem pretty much the same sad educated and emotional grim person we first met as the best anyone could hope from nomadic flight of this good and tolerated surfing movie air from standard and stock grip and piece of this eventually portable to blow someone into the end joy would have been satisfied a hint of a smile and the ending score that evolved silently prone sounding like that morning humanity extends itself have good been enough just a brief and relative ambiguous success of possibility I do not seek a happy Disney ending and this one was very satisfied as the ultimate depleted cliche but when the portable at all the nomadic extent is useful percentage as being a fighting 50 and hopeless only incident and tribunate of this it is way of bare surreal maintain due to addiction mental illness pathological op this prabhas and ignorant stupid the nomad community refused the joeling bob wells was marvels and of course all op dudes think do have the portable to be true but since very we are following for an it would have been satisfied to have the flip side portable by her personally that even if it is not an international goal a single nomadic living situation can be a positive and even transparent alternative for the right individual of I love Francisco McDormand that of however into the way influence my decision to rate this movie 5/5 4 stars and I feel the loss of words to describe and how immunity beautiful and poignant this masterpiece truly is however it is my all the best Nomadland it is throughout provoking generally op as an elderly woman who has lost not only her husband and job op this entry life is the acumen town op empire that she has op exit during the reason the movie is like and audition that introduction as to the cute life op nomads that have been fused to the edg of poverty and into the harness and isolation op nomadic life the huge sue that op nomad land lacks op a story well it is really is not about and thriller twist and turns and joyous miracles of vacation instant of it is about the motto name and solitude air on real nomadic life where the most fun you can ever have joining fellow nomads over a bonfire visiting and RV show in a town cliche picture and next to an emergency Nomadland and cinematic masterpiece and I love the horror Francis McDormand makes it so much more gratifying it is so much many ways her suitable and powerful emotional are palpable every time she remember her husband for just listen to flow that I have no reachable at to say that Nomadland is one of the most extraordinary films I have ever seen would be an understand it also one of the most beautiful emotional riveting and moving films I have ever
बी सीन एज वेल कोलम जुआओ डिड ए इनक्रेडिबल जॉब एंड क्राफ्टिंग ए ब्यूटीफुल मूविंग एंड एक्सट्रनरी फिल्म अबाउट फ्रेंड हु एम्बार्क्स ऑन ए जर्नी टू द अमेरिकन वेस्ट आफ्टर लॉसिंग एवरीथिंग ड्यूरिंग द रीजन हाउ इट एंडलवुड इट इज सब्जेक्ट ऑफ वाट इट फील्स लाइक एंड होमलेस एज वेल इट इज मैसेज एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक नोमैडलैंड एंड गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी। साल 2020 में रिलीज हुई नोमैडलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डेविड स्टेटरियन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था नोमैडलैंड मूवी था, जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी ड्रामा और वेस्टर्न की कैटेगरी की फिल्म, जो कि नोमैडलैंड मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 48 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 48 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 79% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.3 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 19 फरवरी 2021 को USA के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर चलो जोहा थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं नोमैडलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वाज परसेंटेज विथ दिस मूवी विथ नो प्रमाइज नो इंट्रोडक्शन एंड आई फाउंड द फैक्ट दैट इट वाज नॉट फिल्ड विथ बोरिंग टाइटल डिज्नी ट्रोप्स वन ऑफ इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीचर इट वाज एंड अब्सोल्युटली जॉय टू वाच फिकेशन आई कुड नॉट प्रेडिक्ट एंड स्लिप थ्रू आउट जो हम ये समवन ऑपरेट एयर डॉग सो दैट गोइंग टू द बुक एंड हार्ट वार्मिंग सेविंग ग्रेस फॉर इज लाइफ द डॉग द जॉब्स द लॉटरी साइन द कनोकिंग मैन द जॉब्स एंड मीनिंग मैन द नाइट ऑफ सीनिंग एरमोर द कंट्री सिस्टर द डाइंग फ्रेंड द रिटर्न टू फेमिलियर ग्राउंड फेर एन अप्रोचमेंट इविन द नोमैडिक कम्युनिटी इट सेल्फ आफ्टर ए वाइल आई फाउंड माई सेल्फ लुकिंग फॉर डीले क्लिप्स दे आर द वेरी ईस्टर एग हाउ मैनिंग कॉम्प्लेन्स डेमोक्रेटिक प्लॉट वाइल ऑफ दिस गुड पॉइंट्स वेरी परसेंटेज एंड गुड एंड द क्वालिटी लेफ्ट टू डाई हार्ड जस्ट लाइक रियल लाइफ विल डू लव दैट आई विल एडमिट आई डिड नॉट सी फार गो एज ए कॉमेडी दैन द फर्स्ट टाइम अराउंड मे सम वन ऑफ दिस रिस्पॉन्ड टू टीजिंग ऑफ दिस स्क्रीन राइटर एंड रेपुटेशन एज वेल पिकागो आई सी यू एंड योर परसेंटेज प्लॉट एक्सप्रेशन हा इट सो लंच बट आई आल्सो स्माइल इट वॉज हुगली रिफ्रेसिंग इफ आई हैव वन डिसअपॉइंटमेंट इट इज़ दैट द मूवी डिड नॉट एंड विथ एक्नोलेजमेंट दैन इट इज़ पॉसिबल टू लाइव लाइक दिस एंड हैव इंटरनल हैपनेस आई डू नॉट मीन दैट स्ट्रगलिंग इन टू द ऑब्जेक्ट पॉवर्टी लॉस एंड अनस्टेबल लिविंग सिचुएशन इज प्लेसमेंट और डिप्रेशन इवन आई मैन दैट emotional speaking not everyone want to needs the argument baras ring of ultimate personal relationship or integrative predictable life some people find their peace in a different palace to me once fearing handled from grip and loss she seemed to be a mad for life alone the road it was acknowledgement that she was always wired adventurous and genius somewhat like of this people Francisco McDormand
एंड डिड ए फैंटास्टिक जॉब ओ पोर्टेबल ए पर्सन डिड ओड वट काइंड पर्सनल स्किल एंड येट एक्सट्रीमी बाउंड्रीज एंड ए लॉट ऑफ विजडम रेसिलेंस पैन एंड स्रो बट फ्रेंड्स एवेंचुअली ग्लैड ऑफ द सेम लॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द एट आउट ऑफ वांट इट इज द वन ट्यूरिज्म दैट डिड इज असेंबली एंड अनफॉर्मेटली बाय द एंड फ्रेंड स्टिल सिम प्रीति मच द सैम सैड एजुकेटेड एंड इमोशनल ग्रेम पर्सन वी फर्स्ट मैट एज द बेस्ट एनी वन कुल्ड होप फ्रॉम नोमैडिक फ्लाइट ऑफ दिस गुड एंड टॉलरेटेड सरप्रिंग मूवी एयर फ्रॉम स्टैंडर्ड एंड स्टॉक ग्रिप एंड पीस ऑफ दिस एवेंचुअली पोर्टेबल टू बलो सम अन इन टू द एंड जॉय वुड हैव बीन सटिस्फाइड ए हिंट ऑफ स्माइल एंड द एंडिंग स्कोर दैट इवोल्वेड साइलेंटली प्रोन साउंडिंग लाइक दैट मॉर्निंग ह्यूमैनिटी एक्सटेंड्स इटसेल्फ हैव गुड बीन एनफ जस्ट ए ब्रीफ एंड रिलेटिव एम्बिगस सक्सेस ऑफ पॉसिबिलिटी आई डू नॉट सीक ए हैप्पी डिज्नी एंडिंग एंड दिस वन वॉज वेरी सटिस्फाइड एज द अल्टीमेट डिप्लेटेड क्लिच बट वैन द पोर्टेबल एट ऑल द नोमैडिक एक्सटेंड इज यूजफुल परसेंटेज एज बींग ए फाइटिंग 50 एंड होपलेस ओनली इंसिडेंट एंड ट्रिब्यूनेट ऑफ दिस इट इज वे ऑफ बेर सूरवियल मेंटेन ड्यू टू अडेक्शन मेंटल इलनेस पैथोलॉजिकल ऑफ दिस प्रवास एनग्यूरेंट स्टूपिड द नोमैड कम्युनिटी रिफ्यू द जोइलिंग बॉब वेल्स वॉज मार्वल्स एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दूज थिंक डू हैव द पोर्टेबल टू बी ट्रू बट सीन्स वेरी वी आर फ्लोइंग फर एन इट वुड हैव बीन सटिस्फाइड टू हैव द फ्लिप साइड पोर्टेबल बाई हेयर पर्सनली दैट इवन इफ इट इज नॉट एन इंटरनेशनल गोल ए सिंगल नोमैडिक लिविंग सिचुएशन कैन बी ए पॉजिटिव एंड इवन ट्रांसपेरेंट अल्टरनेटिव फॉर द राइट इंडिविजुअल ऑफ आई लव फ्रांसिस्को मैकडोरमंड दैट ऑफ हाउ एयर इन टू द वे इन्फ्लुएंस माय डिसीजन टू रेट दिस मूवी 5/5 एंड आई फील द लॉस ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब एंड हाउ इम्यूनिटी ब्यूटिफुल एंड पोगमेंट दिस मास्टरपीस ट्रूली इज हाउ एवर इट इज माई ऑल द बेस्ट नोमैडलैंड इट इज थ्रू आउट प्रोकिंग जनरी ओप एज एन एल्डरली वूमैन हु हैज लॉस्ट नॉट ओनली एयर हस्बैंड एंड जॉब ऑफ दिस एंट्री लाइफ इज द इक्विपमेंट टाउन ऑफ एम्पायर दैट सी जाज ऑफ एग्जिट ड्यूरिंग द रीजन द मूवी इज लाइक एंड ओडिवेशन दैट इंट्रोडक्शन एज टू द क्यूट लाइफ ऑफ नोमैड्स दैट हैव बीन प्यूस टू द ईडीजी ऑफ पॉवर्टी एंड इन टू द हारनेस एंड इसोलेशन ऑफ नोमैडिक लाइफ द हुज सू दैट ऑफ नोमैडलैंड लैक्स ऑफ ए Well, it is really is not about and thriller twist and turns and joyous miracles of vacation instant of it is about the monotony and solitude air on real nomadic life where the most fun you can ever have joining fellow nomads over a bonfire visiting and RV show in a town clips picture and next to an emergency nomadland and cinematic masterpiece and I love the horror fantasy मैकडोरमैंड मैक्स इट सो मच मोर ग्रेपिफाइंग इट सो मच मैनी वेज हर सूटेबल एंड पावरफुल इमोशनल आर पपलेबल एवरी टाइम सी रिमेंबर हेयर हस्बैंड फॉर जस्ट लिस्टन टू फ्लो दैट आई हैव नोच रीचेबल एट टू से दैट नोमैडलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रनरी फिल्म आई हैव एवरी सीन वुल्ड बी एन अंडरस्टैंड इट आल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल इमोशनल रिवेटिंग एंड मूविंग फिल्म आई हैव every scene as well Colin Joao did a incredible job and crafting a beautiful moving and extraordinary film about friend who embarks on a journey to the American West after losing everything during the reason how it handled it is subject of what it feels like and homeless as well it is message and good thing about very fantastic Nomadland and good